Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Finally, the long-awaited video of Write Grade 3, Week 2. Week 1 we have uploaded earlier, in which we have shared with you 6 days of planning. Now we are going to look at Week 2. Lekin video shuru karne se pehle, I want to make an announcement. Because of your great response to our aims, objectives and goals videos, jo ki aapne bahut zyada pasand ki hain, we are starting a new series about learning domains and it will focus on preschool area. Yani playgroup, nursery and KG ke area ke upar hum focus karke aap ke liye videos ke ek series shuru kar rahe hain, and we will talk about learning domains aur kaise aap mukhtalif activities mein in learning domains ko incorporate kar sakte hain aur bacche ki jisko hum kehte hain holistic development, wo aap kaise kar sakte hain preschool area mein. So this series is coming up. Now let's start with our write grade 3 unit 1. Is unit ki jo model reading hai wo humne Sunday ko upload ki hai. Agar aapne nahi dekhi to please go and check it out. Abhi hum shuru kar rahe hain from day 7. और इसके पहले 6 डेज़ भी अगर आपने नहीं देखे तो पिछले वीक में वो वीडियो अपलोड हुई हुई, आप उसको देख लें तो आपको खुद ही ये कनेक्शन नज़र आएगा कि डे 7 में हम ये वाली एक्टिविटीज़ क्यों कर रहे हैं. सो ऑन डे 7 वी विल टेक डिक्टेशन ऑफ द वोकैबुलरी वर्ड्स, जिनकी की लिस्ट बनाकर आपने क्लास में डिस्प्ले की हुई थी और जो गाहे बगाहे आप बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते रहे थे. सो टुडे इज़ द डे फॉर डिक्टेशन. आज क्योंकि इन दिस यूनिट we focus on the superlative and comparative degrees of adjectives. और यहाँ पे आपको जगह जगह इसकी ग्रामर में भी, इसके सेंटेंसेस में भी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज नज़र आती हैं, तो आपने वो ड्रिल करनी है क्लास के साथ, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज. इसके अलावा आपको इस यूनिट में ऑपोजिट्स भी नज़र आएंगे, बड़े सिंपल बेसिक से, जैसे यंग एंड ओल्ड, टॉल एंड शॉर्ट, बिग एंड स्मॉल, फास्ट एंड स्लो. तो प्लीज़ आपने वो ऑपोजिट्स आज क्लासों कॉपीज़ में बच्चों को लिखवाने, वो ऑपोजिट्स आपने टीच करने हैं, और आपने या तो डायरीज में लिखवा दें, दे डू इट इन देयर होमवर्क, या अगर आपके पास वक्त हो ये सब कुछ करने के बाद तो डू इट इन द क्लास वर्क, कॉपीज में आज लिखवानी है. दिस इज योर डे 7. नाउ वी कम टू डे 8. बुक की कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हम आज के दिन करेंगे, क्योंकि उनको हम पहले से पढ़ा चुके हैं, बेस सारी बनी हुई है उन एक्सरसाइजेस को करने के लिए. तो हम एक्सरसाइज बी, डी एंड ई करेंगे. लुक एट एक्सरसाइज बी. इट इज़ अबाउट ट्रू और फॉल्स. बच्चे तस्वीर की तरफ देखेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे और ट्रू और फॉल्स लिखेंगे. जॉन इज ओल्डर देन हिज डैड. अब इन, ये देखिए सामने तस्वीर है और बच्चे ने इसको पढ़ना है. अब इसमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री भी है एंड ऑल्सो कम्प्रीहेंशन भी इन्वॉल्व है कि बच्चा कम्प्रीहेंड करेगा जुमले को, तभी वो ट्रू और फॉल्स लिख सकेगा. अगर उसे समझ आती है जॉन जो है वो अपने अब्बू से बड़ा है, इज़ दिस ट्रू, then only then the student can do this. And the pictures are also given in the front. The giraffe is taller than the bear, the bus is faster than the aeroplane, then the airplane, and the car is bigger than the bike. Comprehension, comparative and superlative degree, and also picture depiction. तस्वीरों को देखकर सो तीन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बराक वक्त यहाँ पर हो रही हैं. एक्सरसाइज डी में आप देखिए, आज के दिन हमने एक्सरसाइज बी, डी और ई करनी है. द क्लाउन इज टॉलर देन द बॉय, सेंटेंस को पढ़ना है और फिर पिक्चर्स में से ढूंढना है कि कौन सी पिक्चर इस सेंटेंस के साथ जाती है, एंड देन इन द कॉर्नर विल राइट द नंबर ऑफ द सेंटेंस जो कि इस पिक्चर को शो कर रहा है. द कार इज फास्टर देन द बाइक, द काउच इज बिगर देन द टीवी, द बुक इज हैवियर देन द पेन, the clown is thinner than the girl and the feather is lighter than the bag. ठीक, जुमलों के सिर्फ नंबर लिखने हैं, बट अगेन कॉम्प्रीहेंशन, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज और पिक्चर डिपिक्शन वो सारी इसके अंदर हैं. एक्सरसाइज ई, रीड एंड राइट द सेंटेंसेस. खुद से जुमला बनाना है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बताते हुए. रेफरी यंग बास्केटबॉल प्लेयर लिखा हुआ है, सो द रेफरी इज़ यंगर देन द बास्केटबॉल
player. The cat is shorter than the bear. The mouse is smaller than the dog. The basketball court is bigger than the scoreboard. इसी तर्ज पे ये जो मिसाल दी हुई है, इसी तर्ज पे बच्चों ने जुमले बनाने हैं. हेल्प द स्टूडेंट्स, पहली मिसाल तो दी हुई है, बट रीड इट आउट और फोकस करें उन हिस्सों पे जो बच्चों ने खुद से ऐड करने हैं इसमें. ये मेन चीज़ें दी हुई हैं, बट फोकस ऑन दीज थिंग्स एंड टेल देम हाउ दे आर गोइंग टू ऐड, और ये वाले स्पेलिंग देन के जो हैं कौन से स्पेलिंग उन्होंने लगाने हैं. डे 8 इज़ फिनिश्ड, वी कम टू डे 9. डे 9 में वर्कबुक के ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो अब वो करने के काबिल हो चुके होंगे, बिकॉज अगर उनको कॉन्सेप्ट की समझ आ चुकी है तो वो खुद ब खुद ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो करेंगे. वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज जी जो हम आज कराएंगे. आज के दिन में जी एच आई और जे जो है हम क्लास में कराएंगे, और एक्सरसाइज सी फ्रॉम पेज 8 जो है हम होमवर्क के लिए देंगे. एक्सरसाइज जी अगेन, इट इज़ इजी. व्हिच इज़ बिगर, द एलिफेंट और द डियर? इंसिस्ट कीजिए कि बच्चे जो हैं वो पूरे जुमले में इसका जवाब दें, यानी द एलिफेंट इज़ बिगर देन द डियर. वही प्रैक्टिस जो उन्होंने पिछले दिन में बुक पे की थी, एग्जैक्टली वही प्रैक्टिस है. हु इज़ टॉलर, द मैन और द गर्ल? और फिर उन्हें इसका मुकम्मल जवाब लिखना है. इसी तरह एक्सरसाइज एच में देखिए, वोकैबुलरी को रिवाइज करने की एक्सरसाइज है. स्कोर बोर्ड, तस्वीर का नंबर, बस नंबर लगाना है. तो अगर वो जानते हैं, तस्वीर को देख कर पहचानते हैं और लफ्ज़ को पढ़ सकते हैं, ओनली देन दे कैन डू इट. इसमें तो उनको ज़रा फ्री छोड़िएगा, क्योंकि वोकैबुलरी पे हमने बहुत काम किया, तो लेट देम डू इट बाय देमसेल्व्स. हर चीज़ बिल्कुल हमने उनको तोते की तरह नहीं करवानी है. नाउ दिस इज़ अगेन ऑपोजिट्स की जो आपने एक्सरसाइज कराई थी. देखिए, नंबर 1 इज़ टॉल, तो नंबर 2 के साथ शॉर्ट. नंबर 3 फास्ट, तो नंबर 4 स्लो. नंबर 5 इज ओल्ड एंड नंबर 6 इज यंग. राइट, ऑपोजिट्स हमने उनको क्लास वर्क कॉपी में भी करवाए थे. वी लुक एट एक्सरसाइज जे अगेन. उन्होंने देख कर सर्कल करना है राइट वर्ड को. इसमें भी उनको छोड़ दीजिएगा, लेट देम डू इट देमसेल्व्स. दे आर इन ग्रेड 3 नाउ. लेट देम एक्सपेरिमेंट विद लैंग्वेज, और थोड़ा सा उनको चैलेंज भी कीजिए, पुश भी कीजिए आप कि वो खुद से भी करें चीज़ों को. और यहाँ पर आप देखिए कि एक्सरसाइज सी जो है वो अपने होमवर्क के लिए देनी है. बहुत आसान है, सिर्फ 3 जुमले लिखे हुए, सामने पिक्चर्स हैं. दे हैव टू मैच द सेंटेंस टू द राइट पिक्चर. वेरी इजी सेंटेंसेस. केट नीड्स अ बाइक कोट एंड अ केक, तो कौन सी तस्वीर के साथ वो मैच होगा. बट एज आई ऑलवेज से, होमवर्क देने से पहले मेक श्योर कि उनको समझ आए कि उन्होंने करना क्या है. ठीक है, वो वहाँ पे बिल्कुल बेचारे परेशान होकर ना बैठ जाएं कि अब हमने करना क्या है इसके साथ. एंड समटाइम्स द पेरेंट्स ऑल्सो कंप्लेन कि भाई बच्चे को तो समझ ही नहीं थी वो काम क्या करे, आपने होमवर्क हमारे लिए दिया हुआ था. तो अवॉइड ऑल दोज थिंग्स, जस्ट एक दफ़ा समझाने में कोई हर्ज नहीं. वी कम टू डे 10. डे 10 में आपने आज एक दफ़ा फिर से फोनिक्स को, जो शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स हैं, उनको आपने रिवाइज करना है और बच्चों से बहुत सारे वर्ड्स पूछने हैं. वो शॉर्ट और लॉन्ग वॉवल में थोड़ी बहुत गलती करेंगे, बिकॉज इट्स अ बिट हार्ड फॉर देम टू आइडेंटिफाई. लेकिन आपने साथ साथ उनको करेक्ट करना है. एक दफ़ा उनके कान को आदत हो गई इसकी, तो ट्रस्ट मी वो बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वोकैबुलरी को भी एक दफ़ा दोबारा से आप बच्चों के साथ रिवाइज कीजिए, और आज आपने इसकी इंडिविजुअल रीडिंग करानी है. कम अज कम डू अ मॉडल रीडिंग फर्स्ट, लेट देम रीड आफ्टर यू. प्ले द ट्रैक, ट्रैक 2 प्ले कर दें, उसको सुने, ट्रैक 2 के बाद पढ़ें, जितनी सपोर्ट आप दे सकते हैं. बट आफ्टर दैट एटलीस्ट 4 or 5 स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू रीड इट इंडिपेंडेंटली इन द क्लास, और ये ज़रूर आपने आज के दिन करवाना है. डे 11 पे आपने क्लास के अंदर गिव देम 4 सेट्स ऑफ ऑपोजिट्स फॉर मेकिंग सेंटेंसेस. तभी पता चलेगा कि वो ऑपोजिट्स को समझते हैं जब तक कि वो उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल नहीं करेंगे. एंड दोज हु फिनिश क्विकली, उनसे आप कहिए कि वो तस्वीर भी बनाएं, अपने जुमले के साथ तस्वीर भी बनाएं जो उन्होंने जुमला बनाया है. तो दिस वे दे विल बी इंगेज इन द वर्क ऑल्सो, और दूसरा ये कि फर्दर उनकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी समझाते वक्त, वो तस्वीर ड्रॉ करते वक्त, और भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. आज आपने एक होमवर्क में एक काम देना है, वो ये देना है कि बच्चों ने इस यूनिट की अच्छी तरह से रीडिंग करके आनी है. बिकॉज एंड टेल देम टुडे ऑन डे इलेवन टेल देम कि कल हमने रीडिंग कॉम्पिटिशन करना है क्लास में. क्लास 2 ग्रुप्स में डिवाइड होगी.
एंड बोथ द साइड्स विल रीड. जहाँ जहाँ से आप बताएंगे बच्चे रीड करना शुरू करेंगे. यू से स्टॉप, दे स्टॉप एंड देन यू नेम द अदर स्टूडेंट एंड द अदर स्टूडेंट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर द फर्स्ट वन हैज स्टॉप. और इस तरह रीडिंग करवानी है. रीडिंग कॉम्पिटिशन दो ग्रुप्स में करवाइए. प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बच्चों को मज़ा भी आएगा. और जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं रीडिंग में, शुरू शुरू में उनकी बारी मत लाइएगा, एंड की तरफ उनकी बारी लाइएगा, ताकि वो बार बार सुनने से उनको भी थोड़ा बहुत आ गया हो. सो दिस इज़ वेयर योर यूनिट विल फिनिश आफ्टर 12 डेज. दिस इज़ डे 12 एंड योर यूनिट फिनिशेस ऑन डे 12. ओके. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने शुरू में आपको इस वीडियो की स्टार्ट में बताया कि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज ऑफ वीडियोज बेस्ड ऑन लर्निंग डोमेन्स विच विल फोकस ऑन प्री स्कूल एरिया, प्ले ग्रुप, नर्सरी, के जी में क्या पढ़ाएं, क्या एक्टिविटीज़ कराएं, कि तीनों लर्निंग डोमेन्स इनकॉर्पोरेट हों. ऑल्सो मॉडल रीडिंग इसकी संडे को अपलोड हो चुकी है वीडियो, गो एंड चेक इट आउट. अगर इसके पहले 6 डेज की प्लानिंग की वीडियो आपने नहीं देखी तो वो लास्ट वीक हमने अपलोड की थी, उसको भी देखिए. वो इसके साथ जब आप देखेंगे तो पूरा यूनिट आपकी समझ में आ जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स. थैंक यू.